हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी एटीट्यूड क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है हियरांस फार्मूला। आज हम देखेंगे कि हियरांस फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए ताकि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हियरांस फार्मूला। ये क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 12 है, हियरांस फार्मूला। अब देखो, हियरांस फार्मूला जो होता है वो एक ट्रायंगल पर बेस्ड है। इसमें हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है। ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रायंगल है और इसकी तीन साइडें हैं, ए सी। तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हियरांस फार्मूला होता है ना, वो आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, आराम से आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, हियरांस फार्मूला एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। हियरांस फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है? वो यार ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंड एस क्या है यहाँ पर? एस जो होता है वो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। आप देखो, आप सिर्फ इतने से ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड कर सकते, आपको सेमी पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर बाई टू। क्या होता है? पेरीमीटर बाई टू, या हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। लेकिन इतने से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? देखो, पेरीमीटर होता क्या है ट्रायंगल का? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तब जाके हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर के प्लेस पे रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इससे हमें सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट होगा और ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे रखेंगे साइड के बाद, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इस प्रकार से हम हियरांस फार्मूले के इस्तेमाल से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। देखो, हमें हियरांस फार्मूला एक ट्रायंगल पे लगता है, उसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है। हियरांस का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एस अंडर ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना? ये क्या होता है? ये स्क्वायर रूट होता है। तो पहले इसको सॉल्व करने के बाद हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जहां पर ए बी सी जो होती है वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड है, एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर बाई टू, या फिर साइड दिया है तो साइड का सम बाई टू, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगा? देखो, यहाँ पर यूनिट का हमेशा स्क्वायर होगा, जैसे कि किलोमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो यूनिट होगा वो किलोमीटर होगा या फिर मीटर होगा और या फिर सेंटीमीटर होगा, जो भी दिया होगा वो होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का कुछ हेल्प कर पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।